हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्ट नर्वर में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ एसबीआई एग्जाम के रिलेटेड। दोस्तों एसबीआई एग्जाम को जो प्री एग्जाम है वो 10 11 12 तारीख को होने वाला है। तो दोस्तों उससे पहले आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं सुनी तो शायद आप एग्जाम में कुछ चीज़ें मिस कर जाएं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो दोस्तों जो आप फोटोग्राफ ले जाते हैं, नंबर एक जो फोटोग्राफ आप ले जाते हैं एग्जाम सेंटर में उसमें आपको दो फोटोग्राफ एक्स्ट्रा ले आनी है, ठीक है। दो फोटो एक्स्ट्रा ले आनी है, ये आपको याद रखना है। और फोटो वही ले जानी है जो आपने फॉर्म में भरी थी, फॉर्म में भरते हुए आपने सबमिट किया था, ठीक है। तो ये थी पहली न्यूज दोस्तों, पहली जिसमें आपको दो फोटो ले आनी है एक्स्ट्रा, और वही फोटो जो आपने एग्जाम फॉर्म भरते हुए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए सबमिट की थी वही फोटो ले जानी दोस्तों, दूसरी नहीं ले जानी। अगर आप ये नहीं ले जाएंगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप एलिजिबल नहीं होंगे एग्जाम देने के लिए, बाहर से वहीं से भगा दिए जाओगे। तो आपको करना क्या है, वही दो फोटो आपने अगर बना रखी है तो उनको सेफ रखना, अगर नहीं बनाई है तो जाके फोटो स्टूडियो में उसी फोटो को दोबारा से बनवाइए, चाहे फोटो से फोटो बनवाइए लेकिन दो एक्स्ट्रा बनवा के रखिए, ठीक है दोस्तों। ये थी पहली न्यूज। अब आती है दूसरी न्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरी पूरी बात अच्छे से सुनना। अगर आपने नहीं सुनी तो शायद आपको, या आप अगर ऐसे चले गए तो आपको नुकसान हो सकता है। तो करना क्या दोस्तों, दूसरी न्यूज है वो लेटेस्ट है। वो क्या है, ये है कि जैसे दोस्तों आप जाएंगे अपना एडमिट कार्ड लेके जाते हैं एग्जाम सेंटर में, तो आप पहले क्या होता था कि एग्जाम सेंटर में हमारा जो एडमिट कार्ड है वो जमा हो जाता था, हमें वापस नहीं मिलता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि लेटेस्ट एसबीआई की गाइडलाइंस में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ नोटिफिकेशन लगाया है, ठीक है, एसबीआई की साइट से ही लगाया है। नोटिफिकेशन में से एक कटिंग आपको ये एरो के बीच में दे रखी है मैंने, आप इसको देखो और ये जेन्युइन है। साइट पे जाके आप देख सकते हो, इसकी नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। कई लोगों ने शायद आपसे आपके साथ उन्होंने देखा भी होगा, उसमें क्या लिखा साफ साफ कि एडमिट कार्ड जो आपका है वो ड्यूली साइंड यानी स्टैम्प्ड और ऑथेंटिकेटेड जो ऑफिसल्स हैं एग्जाम सेंटर के हॉल के एसबीआई के, उनके द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाएगा, यानी कि उनको वेरीफाइड किया जाएगा और वो एडमिट कार्ड आपको वापस कर दिया जाएगा। वो एडमिट कार्ड आप अपने पास में सेफ रखेंगे, क्योंकि अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं प्री में तो वही एग्जाम जो एग्जाम में एडमिट कार्ड आपने यूज किया है, साइन और स्टैम्प यानी मोहर लगी होनी चाहिए उसमें, और उसमें ऑफिसर्स के साइन होने चाहिए, वो आप एडमिट कार्ड अपने पास रखेंगे। लेकिन ये एडमिट कार्ड अपने पास रखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मेंस का एडमिट कार्ड है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेंस का एडमिट कार्ड की ही भी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मान लो मेंस का एडमिट कार्ड आपके पास है और आपने प्री का एडमिट कार्ड नहीं दिखा पाए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, दोनों एडमिट कार्ड साथ में रखना है, ठीक है। आपने प्री दिखाया फिर मेंस दिखाएंगे, दोनों दिखाएंगे तभी एलिजिबल होंगे दोस्तों, ठीक है। ये तो होगी दूसरी न्यूज़। पहली न्यूज़ मैंने आपको बता दिया कि दो फोटोग्राफ एक्स्ट्रा ले आनी है, सेम जो एप्लीकेशन लगाई है। दूसरी ये जो आपने एडमिट कार्ड लेटर जो आपको मिलेगा उसको स्टैम्प करवाना, ध्यान रखें स्टैम्प करवाना है और साइन करवा के अपने पास रखना है। तीसरी चीज़ दोस्तों, सब लोग भूल जाते हैं कि आपको जो रफ कॉपी मिलेगी वहाँ पर एग्जाम सेंटर हॉल में वो आपको वहीं छोड़ के आनी है, ठीक है। वो आपसे मांगेंगे, ठीक, जमा करने के लिए, तो जहाँ पर आपके टेबल पर मिलेगी रफ कॉपी, रफ शीट मिलेगी, उसको वहाँ से जब यूज कर लेंगे उसके बाद जब बाहर एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे वो आपको एक जगह बता देंगे कि कहाँ पर हमें वो छोड़नी है, उसको वहीं छोड़ देंगे। तो ये दो तीन नीज आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बतानी थी दोस्तों। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एसबीआई क्लर्क से लेके और दूसरे एग्जाम से रिलेटेड आपको मैं देते रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और देखते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। अगर न्यूज़ मेरी जो न्यूज़ बताई गई इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपको लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए मुझे कमेंट में कि कौन सी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं, ठीक है दोस्तों। पहले तो एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता हूं और सैलरी कौन सी, कितनी बैंक में कितनी सैलरी, कौन सी जॉब में कितनी सैलरी मिलती है, ये सब डालता हूं। तो और भी कोई अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, मैं आपको कंसिडर करूंगा और बताऊंगा और बनाऊंगा उस टॉपिक पर वीडियो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।